मम्मी ने लगा दिया है प्रसाद का ही, सब खाते हैं प्रसाद। टाइम हो गया 11:30 एक तो। ऑलराइट, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस, अभी ना मौसम हो रहा है बहुत सही, अभी तो मैं सही कहूँगा क्योंकि इतनी गर्मियों से आया हूँ तो तुम समझ सकते हो। मास्क इसलिए लगाया क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, सो मुझे कुछ केले वेले लेने हैं। मम्मी का फास्ट है आज। गाइस जन्नत है यार, गाइस जन्नत, ये ना जो है ना ये जन्नत है गाइस, समझ रहे हो, जन्नत। आज मैंने ब्लॉग अभी शूट कर रखा, मतलब बज गए हैं 2, तो 2 बजे से तुम्हारे भाई ने ब्लॉग स्टार्ट करा है। अभी उठ ही रहा हूँ, नहाया धोया खाना खाया, ब्लॉग स्टार्ट करा गाइस। कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है आगे, कहाँ हम जाएंगे, कुछ नहीं पता गाइस। पता है कि भाई के व्यूज़ नहीं आ रहे, ख़त्म गाइस, सब खत्म। सो एक दिन में आते थे गाइस, अब 34 36, दिल से बुरा लगता है यार। कोई ना, तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाते रहेगा और तुम इन्जॉय करते रहना गाइस, इन्जॉय करो तुम बस, और कुछ नहीं। बाकी अपना आप रहता है, व्यूज़ कम आते भले 2 आए, भले 20 आए या 1000 आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो रिज़ल्ट भी मिल जाएगा जब मेहनत कर रहे हैं, तो गाइस लगे पड़े हैं हम भी लगातार अब ब्लॉग आ रहे तुम्हारे भाई। था कि जो टाइमिंग थी वो बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, कभी 9 बजे आता कभी 10 बजे, और आज भी शायद लेट आया बिकॉज यार बहुत इशू हो रहा था वहाँ पे, टाइम नहीं मिल पा रहा था सबसे बड़ी बात, और एडिट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी यार। जैसे लाइट बंद करो तो पसीने तक पक रहे थे गाइस, इसी वे सी चल रही थी वहाँ, मतलब कूलर पंखे तो अगर बंद कर रहा था तो वहाँ चालू कर रहा था तो ऑन कर रहा था तो वीडियो में एडिट नहीं कर पा रहा था। तो अब तुम्हारा भाई के ब्लॉग वही टाइम पे आएंगे, 8:30 बजे ब्लॉग आ जाएगा और रेगुलर अब 8:30 बजे ही आएगा। तो व्यूज़ ख़त्म ही हो गए, ख़त्म भाई। ये ना ये जन्नत हो रहा है, जन्नत ये होता है जन्नत, तो अभी हम जन्नत पे हैं। तो बारिश पड़ने वाली है शायद, तो देखते हैं बाहर ब्लॉग अब बनेगा नहीं बनेगा, तो घर में ही कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहना पड़ेगा, कुछ भी करेंगे कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। अभी बारिश और अभी हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी, सुबह ही अभी तो जाते हैं मार्केट और लेकर आते हैं केले वेले लेकर आने हैं भाई, तो केले खरीद लेते हैं, मम्मी का फास्ट है इसलिए। ये ट्राइपॉड है ना, ये ट्राइपॉड में वहाँ पता है बारिश को लेके क्यों नहीं शूट कर रहा था, अगर मैं ऐसे लेके शूट करता तो रेलवे स्टेशन में कोई बंदा फ़ोन लेके चल जाता तो क्या कहता मैं, इसलिए हाथ से पकड़ के करना पड़ रहा था। और अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना क्योंकि क्या बताऊँ, बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कोई रीज़न है हमारा। फिर एंगल देखते हैं, तो एंगल सेट हो गया गाइस, अब चलते हैं मार्केट को और लेके आते हैं केले। इनसे पूछ लेते हैं, ये हमारे प्रिय मित्र भाई बंधु जो भी है, कैसा लग रहा है फिर हम मिल गए हम आपसे? बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा है। क्या 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 अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइस इसको, मैं अच्छा लग रहा है। और कुछ याद आई नहीं आई हमारी? याद मम्मी की आई सबसे ज्यादा मुझको और पापा की। अब मैं अभी तो इंसान हूँ भाई, तेरी तो व्लॉग देखते रहता था ना मैं। थैंक यू यार, मैं व्यूज तो आई नहीं रहे, खत्म हो गया कहो यार, इनसे कुछ यार करवाऊंगा इनसे कुछ। अरे 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 करो यार गाइस, कुछ कटियान करो हमारा भी। हाँ आते थे एक दिन में 500-600 व्यूज का, आज 34 मिनट टक गया तुम्हारा भाई। कोई नहीं, तुम्हारा भाई मेहनत करेगा, सारा भाई मेहनत करेगा और तुम, और तुम सपोर्ट। चलते हैं केले लेने गाइस मार्केट की तरफ। पीछे इस मार्केट में आके गाइस सुकून मिल रहा, क्या ही बताए। वॉल पे पेंटिंग देखो यार कितनी अच्छी लगती है। तो पहुंच गए एटीएम, पैसे निकाल लेते गाइस, निकाल लिए पैसे, अब जा रहे हैं आगे को केले लेने गाइस। सो गाइस ले लेते हैं यहाँ से केले, केले ले लिए हमने, ये रखे हैं केले। कच्चे हो रहे थोड़े से लिए मैंने, थोड़े से ले रखे क्यों? कच्चे केले हो रहे, कच्चे नहीं हो रहे। आलू टमाटर 20 का आधा किलो गाइस, गाइस गोभी कितनी छोटी छोटी गोभी है। थाना बाजार का थाना गाइस, थाना बाजार का थाना गाइस। केलों के साथ सब्जी भी ले ली मम्मी ने, घर को सीधे। बाकी मौसम बार बार जन्नत गाइस, इतनी तेज धूप होने के बाद भी ना जो मौसम हो रहा है यार बहुत प्यार है। आगे से आओ दीपू दास से पूछना है। तो एक डेयरी मिल्क ले लेता अंकल जी के वहाँ से, दूध भी यहीं से लेता हूँ, जिसको लेना इनकी दुकान में आ जाना, तुम विजिट कर लेना श्री गोपाल स्टोर, इनकी दुकान नियर नियर बाय थाना बाजार। हुआ ना, तुम्हें चश्मा पहनता हूँ ना, तो मेरा चश्मा टूट गया, खत्म इसका गेम खत्म गई। मजा आती है कि अडेप्टर भी खराब हो गया मेरे फोन का, ये लो जो लगा पड़ा ना फोन को, लिया हुआ अभी 3 महीने हुआ, तो 6 महीने की इसकी गारंटी होती है, तो सही है, तो बिल दिखा के हो जाएगा हमारा काम, मिल जाएगा नया।
कुछ काम नहीं रहा, बिकॉज एक चार्जर जब रहता है तो पापा कहीं जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो एक एडाप्टर और अच्छी होता है, तो अभी तो एक ख़राब हो गया, अब न्यू लेके जाएंगे, न्यू लेंगे आएंगे गाइस। अभी जाना है, चश्मा तो टूट गया है बहुत साल हो गए, तो उसको भी अब नया चश्मा बनाएंगे अपना। वीडियो में चश्मा इसलिए नहीं पहनता ना क्योंकि जो वो चमकता है ना, मतलब ऐसे लेंस चमकता है ना, आँख नहीं दिखती अच्छे से प्रॉपर, तब तो बाकी वैसे पहन लेता हूँ मैं कहीं बाहर जब मैं वीडियो ना आता तब पहन लेता हूँ, बताऊँ तब नहीं पहनता हूँ। सो भाई तो अभी बाजार जाना है, कस्टमर केयर जाना है, सर्विस सेंटर जाना है, उसके चार्जर लेके आना भी लेके आना है, चश्मा बनवाएंगे, मतलब लेके कहेंगे बनवाएंगे। तेरी मम्मी का मूड खराब हो गया है तो पूछते हैं इनसे क्या हुआ। कह रहे थे तुम बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या बताएं लोगों को, आंसर दिखाना लिया आप लोगों को, देखो दिखाओ मैं क्यों का आंसर, दिखाओ दिखाओ ये देखो गाइस क्यों का आंसर ये है, ये 73 व्यूज गाइस, 30 लाइक कर रहा है, लाइक तो कर दो मुझे यार, तुम भी नहीं कर रहे हो क्या बात। सो गाइस क्यों का आंसर ये है 73 व्यूज, और आने वाले टाइम में पहले तुम्हारे भाई के कुछ ऐसे व्यूज आते थे गाइस, ये देखो पहले के व्यूज दिखाता हूँ गाइस, पहले के व्यूज कैसे आते थे मेरे, पहले के व्यूज ये देखो, देख रहे हो तुम, देखो 970 व्यूज, 473, 773, 1K 1.1K 1.1। जा रहा हूँ मैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के आने के बाद आना है चश्मा बनाना है, चश्मा बनाने के बाद एडाप्टर भी ठीक करवाना है जो कि सर्विस सेंटर जाना है, तो इतना काम करते हैं आगे तक है, वहाँ से पहले बिल लेंगे फिर कंप्यूटर भी अपना, मतलब वो चश्मा बनवाना है मुझे, पहले चश्मा भी बनवा लेंगे फिर जाएंगे घर को। बाकी यहाँ ब्लॉग बनाने में दिक्कत नहीं होती, डर भी नहीं होता कि फ़ोन ले जाए, वहाँ तो हो रही थी डर कोई फ़ोन ले जाता तो। हेलो थैंक यू, है अच्छा तू गई थी, ये दूर बोल ली कोई नहीं गई थी, यहीं थी मैं गया था जहाँ भी गया था। तो दादा की ये दुकान है, यहाँ से बिल लेना है तो बिल ले लेता पहले, सुकून की मार्केट देख लो तुम अलमुड़ी की, अपना सुकून गाइस, ये है मेन मार्केट, बाकी यार मजा आता है, अपना घर अपना ही घर होता है। तो चलते हैं चश्मा बनवाने, फ्रेम बनाना है इसका असल में, वहाँ तो मिला नहीं क्योंकि दादा वहाँ थे नहीं, कहीं गए हैं, फोन का स्विच ऑफ आ रहा है, तो अब जो बिल है वो कल ले लेंगे, बट अभी जा रहे हैं फ्रेम बनाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। गाइस ये है, यहाँ से करवा लेते हैं फ्रेम बनवा लेते हैं अपना। गाइस हुआ यूँ है कि जो ये फ्रेम था ये मैं पहन नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें जो ग्लास लगना था वो दूसरे वाले फ्रेम में लगवा रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं, वो कह रहा है कि इससे छोटा लगेगा, बट इससे छोटा चाहिए नहीं मुझे, तो अब क्या, अब नया चश्मा बनाना पड़ेगा पूरा। तो अंकल ने लगा दिया टिक्किया, अब इसके मजे लेंगे गाइस। मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने मुझे काम में लगा दिया, देखो प्रसाद बन रहा है, आज किसका है मम्मी व्रत, किसका, संकट चौट, क्या होता है इससे, ये व्रत रख के क्या होता है, मतलब घर में खुशी आती है, संकट नहीं आता है। अच्छा सुगाई जी देखो संकट दूर भागता है घर से, तो हम इसको कर लेते हैं पहले, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन करना है मम्मी, ठीक है, ये भी लहसुन प्याज का, बिना लहसुन प्याज का बनता है, ओए क्या गोल्डन ब्राउन डालू, सो मम्मी ने इसको गोल्डन ब्राउन कर दिया है, भून भून के तो आज मम्मी बता दिया है कि खाना भी देर में खाते हैं, मम्मी ऐसा क्यों, चंद्रमा आएगा ना, चंद्रमा की पूजा होगी पहले गणेश भगवान। अच्छा जो आपने व्रत रखा वो हम सबके लिए रखा है, पूरे परिवार के लिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर कि आपने हमारे लिए रखा। क्या था फास्ट, और एक चीज बताऊँ ये मुझे अभी अभी बता दिए कि मम्मी जब चंद्रमा आते हैं ना तभी खाना खाते हैं, तैयार होके बैठी है, चंद्रमा जी आएंगे हमारे फिर पूजा करेंगे। मम्मी ने व्रत है ना ये 2 साल ही, अभी 2 साल ही हुए, हाँ 1 साल पहले बनाया था, जनवरी में, हाँ जनवरी में उठा, हाँ सो वही, तो मम्मी ने अभी क्या, मम्मी
कब खाएंगे? जब मम्मी पूजा करेंगे तभी खाएंगे गाइस, तभी नहीं खा सकते थे, भूख भी लग रही पर। ये सोचो मम्मी तो सुबह से भूखी है, नवमी भूख नहीं लग रही तो थकान हो रही। जो वैसे मन से रखते ना बट तो उसको भूख नहीं लगती, हाँ थकान हो जाती है पर भूख नहीं लगती, जो मन से लगता है उसको नहीं लगती। साड़ी वाड़ी पहन के उनको तैयार हुई तो मम्मी साड़ी नहीं पहनती, सूट ही पहनती ज्यादा। सूट ही तो पहनते हो ना, ना तो मम्मी ज्यादा सूट ही पहनती है। तक आते चंद्रमा, कब तक हम खाना खाएंगे? खाएंगे फिर पूजा वूजा करेंगे चंद्रमा भगवान की। देखो मम्मी हंसो तो जरा, मम्मी पूरी साड़ी में तैयार हो रही आज गाइस, अच्छी सा तो क्या है चंद्रमा, पता नहीं कब आएगा, कब आएगा। आ जाएगा 10 बजे तक, तो वेट करनी चाहिए ना। 10 बजे 9:30 हो गए, 10 बजे तक आएगा, 10 बजे तक आएगा गाइस, कोई नहीं। ओके मैंने लगा दिया है प्रसाद, चाहे सब खाते हैं प्रसाद। टाइम हो गया 11:30, एक तो मम्मी आज तो भूख से बिल्कुल हालत खराब। सर प्रसाद सुगैस, दिमाग खराब होने के बाद अभी बज गए हैं 11:30 गाइस, 11:30 हो गए अभी। अब आया चंद्रमा, पूजा वूजा कर लिए, अब खाना खाएंगे गाइस, सोई। बाकी अब सुलाते हैं यार, वीडियो भी एडिट करनी थी, अब सपोर्ट क्या करूँगा। सो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते अपनी नेक्स्ट वाली ब्लॉग में।